गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम प्रीति सिंह एंड आई एम बैक विद माय अनदर न्यू वीडियो। बट आज कोई मैं पेंटिंग नहीं करने वाली हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी। बिकॉज यस्टरडे वाज अ स्पेशल डे फॉर मी एज आई वाज टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो। सो यस्टरडे वाज माय बर्थडे, सो बर्थडे में बनती है कुछ शॉपिंग और मैं करके आई हूँ शॉपिंग, और वो भी एक आर्टिस्ट क्या कर सकता है शॉपिंग में अपने लिए। सो मैंने लिया है वही जो हर कोई लेता, मैंने लिए हैं आर्ट्स मटेरियल अपने लिए एंड आज उन्हीं को करती हूँ अनबॉक्स आपके सामने एंड आपको एक एक करके मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अब मैं आपको अपना शॉपिंग बैग दिखाती हूँ कि वो कितना भरा हुआ है एंड कितनी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इतना भारी बैग, शॉपिंग बहुत अच्छी करके आई हूँ। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्या निकल कर आया, इसमें से निकल के आया कैनवास बोर्ड। बहुत ही जल्दी पे मेरी पेंटिंग आने वाली है और वो भी टेक्सचर पेंटिंग। सो दो तो हो गए ये कैनवास बोर्ड एंड एक और कैनवास बोर्ड मैंने मंगवाया है लेकर आई हूँ, सॉरी 10x10 का एक ये भी मुझे मिल गया था। मुझे इस कंपनी का मिलता नहीं है यहाँ पे, अगर मैं मार्केट में जाती हूँ लोकल मार्केट में, बट मैं जब जहाँ मैं गई जहाँ से मैंने सारा अपना सामान लिया है, वीनस की शॉप है वो हमारे यहाँ पे है, सो वहाँ पे मुझे मिला। तो मुझे इस कंपनी के बहुत अच्छे लगते हैं कैनवास बोर्ड, क्यों, क्योंकि तो बहुत अच्छे बजट में है ये एंड इनकी जो क्वालिटी है बहुत ऑसम है क्वालिटी। एंड अब मैं क्या लेकर आई हूँ, मैं लाई हूँ कुछ MDF बोर्ड। ये है मतलब इसमें पैक है, 2 का पैक है एंड जो इसका साइज है वो है 12 इंच का एंड इस पर भी मैं मंडाला आर्ट करने वाली हूँ। देखो कितनी सारी वैरायटी ला रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड अब ये देखिए अब तक का सबसे अच्छा जो मुझे लगा इस शॉपिंग में वो है ये। इसमें मुझे मिला है एक स्टैंड एंड साथ में मिला है कैनवास बोर्ड, और इसकी जो इसका प्राइस है, इसका प्राइस मुझे इस पर लिखा हुआ है 320, बट ये मुझे 300 में मिल गया था। सो मुझे अब तक का सबसे अच्छा लगा ये, क्योंकि मेरे पास अभी ये स्टैंड नहीं है ना, तो इसे देख के मुझे अच्छा लगा। बहुत जल्दी मैं बड़ा वाला स्टैंड भी लेने वाली हूँ एंड मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो एंड अब बारे कुछ, इतना सारा सामान ले लिया है मैंने तो कुछ एस्थेटिक सामान तो बनता है, तो मैं लेकर आई हूँ थोड़ी सी क्लिप्स, जो मतलब पेंटिंग बनाएंगे तो साइड में आपको अच्छा सा लगेगा, मतलब पेंटिंग के साथ आपको एस्थेटिक सामान दिखना चाहिए। तो ये क्लिप्स मुझे अच्छी लगी तो मैं ये कलरफुल क्लिप्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एंड अब बताती हूँ मैं क्या लाई हूँ, अब लाई हूँ मैं डोम्स के पेंसिल कलर्स। इसमें पूरी 24 शेड्स हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पेंसिल वाले कलर्स, बट अब मैं करूँगी क्योंकि मुझे वैरायटी दिखानी है आप लोगों के लिए, तो मैंने ये परचेज किए हैं। एंड एक मैं और चीज लाई हूँ वो है ये मास्किंग टेप। ये मास्किंग टेप भी देखिए कितनी पतली है, जो मार्केट में मिलती है वो हमें थोड़ी सी मोटी मिलती है, बोर्ड होती है ब्रॉड थोड़ी सी एंड इस वाली शेप की नहीं होती साइज की, तो मैंने ये ली है। एंड अब मैं और बताती हूँ, सो मैं लेकर आई हूँ एक फ्लैट ब्रश, और ये पता है कौन सा साइज है, ये है फ्लैट ब्रश कैमल का साइज नंबर 9। ये इसकी तो बहुत ज़रूरत है बिकॉज जब हम पेंटिंग करते हैं, मेरे पास फ्लैट ब्रश 2 है, फ्लैट ब्रश नंबर 5 है एंड फिर सीधा 15 है, बीच में कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैं फिर इन ऐसे कैनवास बोर्डों के लिए मैंने ये वाला ब्रश लिया है जिससे मेरा जो बैकग्राउंड है वो ईजिली बन जाए एंड क्विक बन जाए। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी शेड्स लेके आई हूँ कलर्स की, रंग बिरंगी शेड्स। ये देखिए छोटी छोटी सी लेके आई है क्योंकि मुझे पर बॉटल 25 रुपीज की पड़ी है, तो मैंने ये 2, 4, 5, 6 बॉटल्स ली हैं। कलर देखिए अच्छे हैं ना, सो इन पे मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था क्योंकि मैंने इतना सारा सामान लिया है। एंड आज की वीडियो में इतना ही सामान है, मेरे लिए तो बहुत सारा है ये। एंड आप बताना कि आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा है एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इन्हीं पे किसी पे पेंटिंग आएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग मी।